Assalamu alaikum dear students. Our subject is geography and the topic is Ethiopian region. Today we are discussing about Ethiopian region. What are their physical features, climate and fauna. First of all, physical features Ethiopia lying in basically tropical zone. Ethiopia consists of rugged mountains, flat top plateaus, deep rivers. Ethiopia lies near the equator. Northeastern part of Africa, also known as Horn of the Africa. And the Madagascar Islands are also included. यहाँ पे अगर आप देखें ये है Ethiopian region का map. इस Ethiopian region में जो है इनके north side को छोड़ के इनके तीन side पे जो है वो water और sea जो है वो present है. Indian, Pacific, Atlantic portion जो है वो present है. इसके अलावा इसको क्यों कहा जाता है कि Horn of Africa, क्योंकि इस map की जो shape है वो क्या है, it is कहे कि stick out like rhinoceros horn from the continent of Africa. यहाँ पे आप देखें कि इनकी जो है यहाँ से ये इसकी तरह horn की तरह जो है निकली हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये horn of the Africa है. इसके अलावा यहाँ पे इस north side है, north side पे जो है सहारा desert है. सहारा desert जैसे कि हमने Paleolithic region में study किया था कि इन दोनों में जो बैरियर है, क्योंकि ये नेबर में इसके प्रेजेंट है, तो इनके नेबर में जो बैरियर था वो क्या था, सहारा डेजर्ट, और दूसरा इस साइड पे क्या था जो कि ओरिएंटल रीजन से रिलेटेड था, वहाँ पे माउंटेन, कौन सा, हिमालयन माउंटेन जो है वो मौजूद है. तो इस एक नॉर्थ साइड पे जो है सहारा डेजर्ट है, बाकी एरिया जो है वो इसके क्या है, सराउंडेड एरिया जो है वो क्या है, वाटर है या सी है. टोटल एरिया हम देखते हैं कि इसका टोटल एरिया Ethiopian रीजन का कितना है. 11,27,127 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेटेड और एरिया ऑक्यूपाइड जो है वो पॉपुलेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें 11,19,683 स्क्वायर किलोमीटर है. इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि इन्होंने कहा कि इसमें वाटर है ज़्यादातर, तो वाटर का जो एरिया इसमें आता है इंक्लूडेड है. यहाँ पे इनकी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप लेक एंड रिवर्स हैं. तकरीबन इनमें जो है नियर अबाउट टू 9 रिवर्स एंड 19 लेक प्रेजेंट हैं. तो जिसने कितने एरिया को कवर किया हुआ है, तकरीबन 7,244 स्क्वायर किलोमीटर. This region shows extensive desert on the north side. जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि north side पे जो है वो सहारा डेजर्ट जो है वो प्रेजेंट है, जो कि बहुत बड़ा है. On its western side, thick forests are present. Western side, ये western side है, यहाँ पे जो है वो thick forests जो है वो प्रेजेंट हैं. इनके ग्रीन लैंड है. Rest of Africa shows green land. इसके अलावा यहाँ पे आप देखें ये भी क्या है कि इसकी साउथ साइड जो है वो भी ग्रीन लैंड है, यहाँ पे प्रेजेंट है. इसके अलावा जो है इनमें प्लेट्यूज वगैरह हैं. प्लेट्यूज जिसे हम कहते हैं कि फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, या रग्ड माउंटेन्स हैं इनके, जिनकी जो शेप है क्या उसे कहते हैं कि फ्लैट है ऊपर से, जैसे टेबल लैंड भी कहा जाता है. तो नेक्स्ट हम आते हैं इसकी क्लाइमेट पे. क्लाइमेट इनका किस तरीके का है कि Ethiopian रीजन जो है बेसिकली क्या है कि इनके अकॉर्डिंग टू एलिवेशन अमाउंट टेम्परेचर जो इनका तकरीबन 27 या 35 तक जो है वो मैक्सिमम इनका टेम्परेचर जो है वो जाता है, या 25 से 35 जो है वो एवरेज टेम्परेचर इनका रहता है. इन Ethiopian द क्लाइमेट वेरीज मोस्टली विद एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड मीन कि इनके जो है कहाँ से है, इनके वर्टिकल साइड से, इनके वर्टिकल या अप डायरेक्शन जो होती हैं वहाँ से इनका क्लाइमेट या उसकी टेम्परेचर जो है वहाँ पे लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर, इनके लिटिल वेरिएशन मिलती है, जैसे कभी 20 है, कभी 30 है, कभी 25, कभी 35 जो है एवरेज इतना ही इनका टेम्परेचर चलता है.
because they are near the equator where maximum heat received from the sun. Rainfall hai, rainfall is caused by the southwest monsoon. So southwest se jo hai wo monsoon hai, monsoon hai which affects the country from June to September. एवरेज इनमें जो है वो कितनी होती है 510 मिलीमीटर एनुअल जो है वो रेनफॉल होती है. तो वो भी इनकी एवरेज यानी कि वो सही रहता है. जून इनका थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा गर्म इलाका गर्म होता है, यानी कि मैक्सिमम जो है 35 टेम्परेचर होता है जून से सितंबर तक. बाकी टाइमिंग में जो है वो 20, 21, 25 तक जो है वो रहता है. रेनफॉल जो है इनकी क्या है वो एवरेज 510 ml पर एनुअल है. Ethiopian region की हम फर्दर इनकी डिवीजन देखते हैं कि दिस Ethiopian region was divided into four sub regions. Four sub regions आप यहाँ पे देखिए आपको रीजन डिफरेंट कलर्स में जो है वो नजर आ रहे हैं. तो फर्स्ट जो है वो ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा है ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन. बहर यहाँ पे ये आपके मौजूद है. तो ये क्या है ईस्ट अफ्रीकन सब रीजन है जो कि सहारा डेजर्ट के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट है सेकंड वन वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन. वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन ये वेस्ट की तरफ है. यहाँ पे आप देखें ये वेस्ट है और वो ईस्ट है. इसके अलावा साउथ अफ्रीकन सब रीजन है. साउथ अफ्रीकन सब रीजन जो है वो ये रेड कलर जो नीचे की तरफ है साउथ की है. यहाँ से नीचे की तरफ साउथ अफ्रीकन सब रीजन है. फोर्थ वन मेलागेसी सब रीजन है. मेलागेसी और मेडागास्कर यानी कि ये है जो थोड़ा सा हमने कहा था इथियोपियन रीजन में इसे कुछ यूरोपर्स ने इसे इंक्लूडेड किया है लेकिन इससे थोड़ा सा जो है ये अलग है. आईलैंड है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट ईस्टर्न अफ्रीकन सब रीजन. दिस रीजन इंक्लूड्स ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल अरेबिया आर प्रेजेंट. इनके इनमें जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल अरेबिया प्रेजेंट है. बिकॉज इनके ये बहुत ज्यादा टॉप की तरफ भी नहीं है यानी कि नॉर्थ साइड और साउथ साइड पे जो है अगर हम इनका एक वर्ल्ड मैप देखें तो उसमें जो है ये ट्रॉपिकल उसमें एरिया में आते हैं जो कि क्या कहते हैं कि एक दरमियानी कंडीशन है. बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर डेजर्ट कंडीशंस आर अवेलेबल. क्योंकि ये सन से जो है बहुत करीब है उसकी वजह से जो है ये सन रेज को जो है वहाँ से रिसीव करता है इनके पोल्स की तरफ नहीं है. सहारा डेजर्ट इज इंक्लूडेड इन द रीजन. इन दिस रीजन डेजर्ट एनिमल्स आर इंक्लूडेड. अब डेजर्ट एनिमल्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको पता है कि कैमल है. इसके अलावा जिराफ है, ज़ेब्रा है, ऑस्ट्रिच है. यानी कि ये बहुत कॉमन है जो कि डेजर्ट एनिमल कहलाते हैं.